हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। तो आज मैं आपके लिए काफी इंपोर्टेंट खबरें लेकर आया हूं और जैसा आपने थंबनेल में देख लिया होगा उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें जिससे हमें थोड़ी और एनर्जी मिले। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो मेरे पास बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोगों के माइंड में भी ये क्वेश्चन जरूर होंगे कि क्या जो और वैकेंसीज हैं टीजीटी और स्पेशल के बारे में, तो अब क्लियर हो गया कि ये वैकेंसीज किसी भी दिन आ सकती हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि क्या पीआरटी की वैकेंसीज नहीं आएंगी, इसके बाद और जो सब्जेक्ट है क्या उनकी वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो साथियों मैं आपको बता देता हूं ये वो वैकेंसीज हैं जो पास हो चुकी हैं और ये किसी भी दिन आ सकती हैं। इसके बाद जो अनफिल्ड वैकेंसीज हैं, जो वैकेंट पोस्ट हैं, उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन देनी है और उनपे भी एडवर्टाइज जल्द से जल्द हो जाएगा, डोंट वरी। क्योंकि यार एक चीज और होती है ना, जैसे अब एक चीज मैं देखो आपको यहां पे बता देता हूं, मेरे पास बहुत सारे साथियों के मैसेज आ रहे हैं लेकिन जो मैंने मतलब एक कॉमन क्वेश्चन देखा वो मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है और जिनको मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं उनसे मैं समझ चाहता हूं, क्योंकि देखो एक बंदा सभी को रिप्लाई नहीं कर सकता तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि ये वैकेंसीज कब तक आ सकती है। देखो जो होपफुली मेरा मानना है वो शायद मार्च में ये आ जानी चाहिए बिल्कुल। और इसके बाद एक बात और बता देता हूं कि मैं एडवोकेट अशोक अग्रवाल सर से इसके बारे में या तो आज या कल बात करता हूं, वेटिंग भी आ रही है और जो पीआरटी और जो बची हुई और है उनके बारे में जो वेटिंग की बात करें तो वो भी जल्द से जल्द आ जानी चाहिए वेटिंग। तो एक बार मैं सर से ना कॉल पे बात करूंगा, वो एक बार जो रिकॉर्डिंग है आप लोगों तक शेयर करूंगा जिससे आप लोगों के क्वेश्चन बहुत सारे क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें जो और एक क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि जो ये टीजीटी की वैकेंसीज है 9800, तो इसमें सभी सब्जेक्ट की होंगे। देखो इसमें आप समझ सकते हैं यार, 10,000 वैकेंसीज में तो थोड़ी थोड़ी तो सभी की होंगी, और थोड़ी थोड़ी क्या बहुत सारी होंगी। अब ये है कि टाइम इतना है नहीं, आप लग जाइए प्रिपरेशन में, क्योंकि अब ये सोचते सोचते ना टाइम निकल जाएगा, तो ये गलती ना करें आप लोग। और इसके बाद ये क्वेश्चन भी आ रहे हैं कि जो ये स्पेशल वाली हैं कौन सी हैं, तो स्पेशल वाली पीआरटी वाली हैं, क्योंकि टीजीटी वाली तो आ चुकी हैं, अब पीआरटी वालों को भी यार करने दो कुछ, क्योंकि वो साथी भी मेहनत कर रहे हैं। तो यार टेंशन बिल्कुल ना लें और सबसे बड़ी बात है कि पैनिक ना हो, अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप करें क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप लोग सोचने लगे कि अब वैकेंसीज वो नहीं आ रही वो नहीं आ रही, सब आएंगे डोंट वरी। और नहीं आएंगे तो यार हम बोल रहे हैं ना, संडे को कोई कुछ पॉजिटिव आपको दिखा ऐसे हम लोग जाएंगे यार, क्यों टेंशन लेते हैं आप लोग, ये बताइए। आप लोग हमारे साथ हैं तो हम आपके साथ हैं, डोंट वरी। जिस भी साथी को लग रहा है ना उनकी पोस्ट की वैकेंसीज नहीं आ रही, मेरे माइंड में कई लोगों के क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता दूं, एक हमारे साथी है समुद्र जी, वो कई बार क्वेश्चन करते हैं कि वेटिंग के लिए पीआरटी के लिए, तो समुद्र जी डोंट वरी हम आपके साथ हैं। इसके बाद एक मैम कॉल करती हैं, वो एनटीटी के लिए भी बात करती हैं क्योंकि 10 साल से एनटीटी की वैकेंसीज नहीं आई, तो उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं डोंट वरी, और कोशिश नहीं होगा जरूर डोंट वरी, बस हमें दुखी है कि एज के लिए कुछ नहीं हो पा रहा। तो चलो यही अपडेट है आप लोगों के लिए और होपफुली एक बार मैं शाम को सर से बात करता हूं तो एक बार प्रूफ आप लोगों को पूरा दिखा देंगे। और इसके बाद नोट्स के लिए जैसा आपको पता है सीट बुक कर सकते हैं आप अभी, तो ओनली 5 रुपीज पर डे के हिसाब से आपको डेली नोट्स मिलेंगे, तो ये लगा लीजिए। आपको काफी सारे तो हम पीडीएफ में बुक्स देंगे, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर, एक के नहीं सभी के, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो हिंदी इंग्लिश मैथ्स रीजनिंग जीके साइंस ईवीएस साइंस इस टाइप से जो नोट्स हैं, शायद एक दो बार बोल दिया, वो दो बार नहीं मिलेगा एक ही बार मिलेगा। इसके बाद जो आपका सब्जेक्ट है उसके क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें आपको मिलेंगे, क्विज होंगे, आप सैंपल पेपर भी देख सकते हैं, तो आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। 5 रुपीज मत देखिए, आप देखिए कि आपकी प्रिपरेशन अगर हो रही है तो आप करें, और किसी को अगर कोई पैसे की प्रॉब्लम है बता सकते हैं, अगर थोड़ा आगे पीछे भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं आप बताइए, क्योंकि पैसा आप ये तो है नहीं कि खा के भाग जाओगे,
और यार जो खा के भी भाग जाए क्या है, अपने ही तो साथी हैं। और जिसके पास पैसे की कोई प्रॉब्लम है तो वो बात कर सकता है, जो भी सॉल्यूशन होगा हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, और मैं कामना करता हूं कि दिल्ली के अंदर जो कंडीशन है जल्द से जल्द सुधर जाए। और अभी एक बात और बता देता हूं कि कोई भी ऐसा कदम ना उठाए जिससे आपको और आपके परिवार को बाद में पछताना पड़े, क्योंकि अभी दिल्ली में क्या है कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, हिंसा फैला रहा है, तो देखते ही गोली मारने के आदेश हैं। ये आप अपने आसपास बता दीजिए कोई भी अगर ऐसा करता है। और 144 जो लगता है तो उसमें पता है क्या होता है, अगर कहीं भी भीड़ भाड़ या कुछ ऐसे दिखता है ना, घरों के अंदर रहे आप तो काफी मतलब तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, तो बड़ा दुख होता है देख के यार। चलो कोई नहीं, देखते हैं, उम्मीद करते हैं जल्द सब सही हो जाए। और इस टॉपिक को मैं उम्मीद करता हूं कि इसे राजनीति से ना जोड़ के देश से जोड़ के देखा जाए। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी उस मैटर को सॉल्व करने में लगी है, और आई होप जल्द से जल्द सॉल्व भी हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने व्यूज जरूर दें, अपने जो क्वेश्चंस हैं वो भी जरूर दें जिसपे हम बाद में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सभी का मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन जो मेन मेन आपके क्वेश्चन है उन पर जरूर बात करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। और जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, नोट्स के लिए अभी सीट बुक कर सकते हैं। जय हिंद।